अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से दोस्तों न्यू असामियों का ऐलान किया गया है। दोस्तों इसमें 3% जो कोटा है मजदूर अफराद के लिए होगा। ऐसे तमाम उम्मीदवार जो कि जिस्मानी तौर पर मजदूर और पंजाब हुकूमत की तरफ से जारी करता मजदूरी सर्टिफिकेट के हामिल हैं को इतला दी जाती है कि वो पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में 3% मजदूरी कोटे के तहत दर्जा 4 की मनरजा जैल असामियों के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। दोस्तों इसमें जो पहली असामी होगी विलांगरी की होगी। 6 असामियों की तादाद होगी तलीम जो है पढ़ना लिखना जानता हो और अपने काम में महारत रखता हो, तजर्बा उम्र की जो हद है 18 से 30 साल होगी। उसके बाद दूसरा नंबर वो वाटर कैरियर आ जाएगा। 1 असामी तादाद होगी पढ़ना लिखना जानता हो और अपने काम में महारत रखता हो, 18 से 45 साल इसकी एज लिमिट होगी। उसके बाद तीसरा नंबर सेंट्री वर्कर आ जाएगा जो उसकी असामियों की तादाद होगी वो 4 होगी, पढ़ना लिखना जानता हो और अपने काम में महारत रखता हो, 18 से 45 साल एज लिमिट होगी इसकी। उसके बाद चौथे नंबर पर धोबी आ जाएगा, इसकी 3 असामियों की तादाद होगी पढ़ना लिखना जानता हो और अपने काम में महारत रखता हो, 18 से 30 साल जो है एज लिमिट होगी इसकी। उसके बाद 5वें नंबर पर खलासी आ जाएगा, 1 असामी की तादाद होगी पढ़ना लिखना जानता हो और अपने काम में महारत रखता हो, 18 से 30 साल एज लिमिट होगी इसकी। उसके बाद 6 नंबर पर बार आ जाएगा जो 1 असामी की तादाद होगी इसकी पढ़ना लिखना जानता हो और अपने काम में महारत रखता हो, 18 से 30 साल एज लिमिट होगी इसकी। उसके बाद 7वें नंबर पर माली आ जाएगा, 1 असामी की तादाद होगी पढ़ना लिखना जानता हो और 3 साल नर्सरी में तजर्बा हो, 18 से 45 साल एज लिमिट होगी। उसके बाद इसमें नीचे कुछ नोट दिए गए हैं, इसलिए तमाम उम्मीदवारों को इतला दी जाती है कि वो सादा कागज़ पर दरख्वास्त भवन मुतलका तलीमी सनाद वगैरह दर्जा जल पते पर साल करें। उम्र में रायत मजदूर अफराद को हुकूमत पंजाब के तहत 10 साल उम्र में रायत है। दरख्वास्त देने का तरीकाकार क्या है? उम्मीदवार हर तरह से मुकम्मल दरख्वास्त भवन मुसदका नकूल तलीमी सनाद सर्टिफिकेट तजर्बा डोमिसल पंजाब शनाख्ती कार्ड और 1 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर 25 फरवरी 2019 तक बजरिए डाक मनरजा जैल पते पर साल करें। टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाने पर कोई सफरी खर्चा नहीं दिया जाएगा। उसके बाद अमूमी हदायत हैं, हदायत दी जाती है कि तमाम अफराद अपने तस्दीक शुदा मंजूरी सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ लफ करें, सूरत दीगर दरख्वास्तें मंजूर नहीं की जाएंगी। उसके बाद दूसरे नंबर रोल नंबर स्लिप और टेस्ट की तफसीलात हर उम्मीदवार को SMS और बजरिया अतला खत दी जाएगी। लिस्ट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुंग लाहौर में अवेजा की जाएंगी। उसके बाद तीसरे नंबर उम्मीदवार को हदायत की जाती है कि अपना मोबाइल नंबर दरख्वास्त पर वाज तौर पर तहरीर करें और तैनाती के अमल के दौरान अपना मोबाइल फ़ोन खुले रखें। उसके बाद चौथे नंबर अहल उम्मीदवार जिसका ताल्लुक पंजाब के किसी भी अजला से है बामुताबिक कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड हो वो दरख्वास्त देने के अहल होंगे। उसके बाद 5वें नंबर सरकारी व नीम सरकारी इदारों के मुलाजमीन अपने दरख्वास्तें जो मुतलका महकमे की तरफ से दरख्वास्त सरसाल करेंगे। उसके बाद 6 नंबर पर ऐसे उम्मीदवार जो पुलिस मुलाजमीन के बच्चे हैं वो अपने हमरा बतौर सबूत वालदैन का महकमाना सर्विस सर्टिफिकेट और पेंशन बुक की कापी बवक्त इंटरव्यू लेकर आए। और बस 7वें नंबर पर तमाम भर्तियाँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की 2004 की रिक्वायरमेंट पॉलिसी के मुताबिक होंगी। उसके बाद 8वें नंबर पर मुकर्रर तरीके बाद वसूल होने वाली दरख्वास्तें ज़ेरे गौर नहीं लाई जाएंगी। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।